किसी ऑर्गन को देखें, उसका किसी जगह को, उसके प्रॉब्लम्स को सोचना चाहें, ऑलवेज रिमेंबर द सराउंडिंग्स। कोई भी ऑर्गन जो है वो सराउंडिंग से अफेक्ट लिए बगैर नहीं रहता, ठीक है ना। इसी तरह ऑलवेज रिमेंबर कि कोई भी ऑर्गन जो है सिस्टमिक प्रॉब्लम्स से बच के नहीं रहता। कभी भी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम हुआ उसको जरूर रिलेट करें, दैट विल मेक योर जॉब इजी, कहीं भी किसी फील्ड में भी, किसी टॉपिक में भी, कहीं भी, ठीक है ना। अभी ऑर्बिटल इसको देखो, क्लोज स्पेस, ठीक है, सामने से खुला, लेकिन सामने से भी पार्शियली खुला। इसके आगे लेट्स है, उन्होंने इसको होल्ड किया हुआ है, और उन्होंने भी पोटासियम प्लेट और लिगामेंट्स के साथ एक हद तक तो खुल सकते, इससे ज़्यादा आप नहीं जा सकते। अच्छा, इसके साथ आप देखो और स्ट्रक्चर भी हैं, ये देखो ई एन टी वाला मैंने कभी भी छोड़ते हैं, इसी तरह से पीछे देखो of the eyeball itself. So,
already seen your arm, Suji, your side of the chair. The problem lies with the eyeball itself. Or with my equation. So, some things will go, say, in the head, and have a go for an examination of the room. कोई प्रेशर नहीं कुछ नहीं
But still the optic nerve gets compressed. Why? By those muscles. Yeah. Muscle fibrosis was stiffness or wo compress kar rahe hote hain piche. कौन और ये सारे मसल में एंटरन जा रहे हैं थोड़ी ना वो सारे चुप हो गए थे मैं कोई भी जवाब नहीं दे पाता ये देखो जब आप पीछे जाते हैं ना मसल्स राइट अराउंड द ऑप्टिक नर्व को रहने लगते हैं और थायराइड में जब मसल मोटा होता है कहां पर जिसकी बेली मोटी होती है एक्सट्रीम पीछे तो चार दिन से मसल उसका स्टेमुलेट कर देते हैं आगे से प्रेशर को कुछ नहीं होता ठीक है बट इट्स वेरी डिसेप्टिव वहाँ जो थायराइड टेस्ट करा लो आप करा के आ जाए इतना ना ये नहीं पता कि पीछे क्या तो उसको कॉर्नर सेक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है ठीक है ना कॉर्नर सेक्शन कैसे इम्पोर्टेंट intraocular pressure.
सो जब आप इन चीजों को देखिए, आपने पूरी चीजों को आपस में मिला, एक चीज को नहीं पकड़ के बैठ जाए. अच्छा ये एक ट्यूमर बड़ा सा अजीब सा है, उसका
तुम बच्चों को तुम तुम गाड़ी को देखो इन चक्रों में ना पड़ो कि ना प्लेजिया और डिसप्लेजिया या को हर ट्यूमर के कुछ अपने फीचर होते हैं किसी और दूसरा नहीं होता उसको इस तरह याद करो रेटिनोब्लास्टोमा में क्या फीचर है तुम बता और बाकी साइड ट्यूमर ऑप्टिक नर्व के साथ चले जाते हैं इसको कैसे सुनते हैं?
बेल फील होती है और बेल तो ब्रेन की पल्सेशन जो है आपको यहाँ फील होती है तो डिफेक्ट है तो ऑर्बिट में नहीं कुछ होता लेकिन डिफेक्ट है ऑर्बिट और पीछे से आपको तो मैं से किसने न्यूरोसर्जरी के ऑपरेशन होते देखे किसने देखे एक गड़बड़ फ्रैक्चर तो ड्यूटी लगती है नहीं जाती एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ होता है सो अगर वो पकड़ के टोपी उतारी होती है तो आपको सारा ब्रेन नजर आ रहा था देयर यू सी रीच पल्सेशन ब्रेन ऐसे वेरी हाई ब्लड फ्लो और पूरा भरा होता है क्योंकि वेसल्स के साथ उसके अंदर भी वेसल्स होती है एक पल्सेशन इसका एक सिस्टम के साथ ऐसे देता है ऐसे दो पल्सेशन आपको सामने भी नजर आते हैं नॉर्मली लेकिन हमें फील नहीं होती बिकॉज ऑफ दी फ्लूइड अराउंड इट हाँ जी फ्लूइड वो कुछ नहीं अफेक्ट होता ना अंदर की तरफ भी पानी नहीं करते सो रिड्यूसिबिलिटी रिड्यूस हो सकता है हो सकता है इन्वेस्टिगेशंस ओवर द टेन इज नॉट इन सेट द ऑर्बिट द मिलियन द गे फॉरन स्कैन करो जी कहते तो अब क्या ख्याल है कि ऑर्बिटलियंस में ज्यादा फायदा अल्ट्रासाउंड का होता है स्कैन का होता है इंपॉर्टेंस तब आती है जब वो एब्नॉर्मल रहेगी किसी को प्रॉब्लम डालती है ना
उसको यहाँ रख के आप कर सकते हैं, तो वो तकरीबन वो आपको हर्डल के करीब करीब की रीडिंग दे देगा। तीन चार एनालिसिस एक ही लिखा दोस्तों। अच्छा, एक ये तरीका है, इसमें बनाया है प्रॉपर से शायद इतना पता ना चले। ये देखिए vibrations. The simple vibrations. Ultrasound इसलिए कहते हैं कि ये vibration इतनी तेज होती हैं कि इतनी vibration अगर हवा में जाए आप उसको सुन नहीं सकते। They are beyond your, है ना? So it is basically compression waves. जल्दी 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 जल्दी। अगर ये high frequency, अगर low frequency होगी तो इसकी बहुत ऊंची आवाज आएगी आपको और resolution भी कम हो जाएगा। Density of light. कौन सी चीज है जो अल्ट्रासाउंड को खा जाती है?
ऐसी कोई सरफेस जिससे सिग्नल आगे ना जा सके, फॉरेन बॉडी हो सकती है, कैल्सिफिकेशन अल्ट्रासाउंड करने से पहले ढेर सारा पानी पिलाते हैं, एक भी पिलाते हैं, कहते हैं ब्लैडर का भी पता चल जाएगा। हाँ बताओ क्यों पिलाते हैं? जो ब्लैडर है वो एंटीरियर वॉल के साथ ऊपर आता है, ठीक है ना, तो साथ साथ आता है, सो कंड्यूट बन जाता है फॉर अल्ट्रासाउंड टू पास टू द यूट्रस, ठीक है ना। उसका भी साथ ही पता चल जाता है। अच्छा ये बातें हमें पता होने क्यों जरूरी है? छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन हमें ध्यान नहीं होते, क्यों पता होने जरूरी? दे हेल्प यू इंटरप्रेट, नंबर वन। नंबर टू, दे हेल्प यू डिसाइड कि यहाँ अल्ट्रासाउंड का फायदा है भी या नहीं है। अल्ट्रासाउंड की जो है उसकी रिपोर्ट कौन देगा? जो
जो कर रहा है इसमें पैथोलॉजी रेडियोलॉजी घर बैठ के नहीं रिपोर्ट दे सकता, उसको हर डायरेक्शन हर एंगल उसकी प्रोब ऐसे रखी हुई है, ऐसे रखी हुई है, ऑर्बिटल रखी है, ऑर्बिटल रखी किस डायरेक्शन में रखी है, ये उसको उसी वक्त ही पता चल सकता है। मसल देखो कितना स्वर्ण थायराइड और थर्मोपैथी में मसल कितना स्वर्ण कर सकता है, बोली जाना मेरे पढ़ाई की बातें नहीं है, आठ गुना बड़ा So thick, whatever the reason. CT scan, ये क्या चीज है? इसकी नेचर क्या है? आपने कहा था वाइब्रेशन होती है, ये क्या है? ये एक्सरे है शाबर, ये क्या डिटेक्ट करता है? इसलिए मैं कहता हूँ ये छोटी छोटी दो तीन बातें हमें बता देनी चाहिए जब हम क्लिनिकल कर रहे हैं, रेडियोलॉजी पढ़ो हमें एक्सरे दिखाते रहते हैं, कल का काम भी गल ही नहीं करते, वो कहते हैं ये भी पढ़ना शुरू हो जाएगी। आप हैरान हो गए, मैं हमेशा फोर्थ ईयर वालों को सी टी स्कैन दिया करता था पढ़ने के लिए, अमेजिंग है कितनी आसानी से वो सीख जाते थे, कितना जल्दी उनका खौफ खत्म हो जाता था। और ये डेढ़ नौ ईयर अभी टर्म नॉर्मल बोले नहीं और तो कुछ नहीं कहना जी, इसमें जो है ना ये ऐसे ये अब नॉर्मेलिटी तो कम से डिटेक्ट कर सकते हैं, नेचर ना भी कर सकते, ये अब नॉर्मल है सर, मैं क्योंकि सर कहना है नॉर्मल कहना सर, मैंने साथ वाले दूसरे से कंपेयर किया था, ब्यूटीफुल तो सिंपल लॉजिक कहते सर, मैंने इसके साथ कंपेयर किया, इसमें ये चीज फालतू नजर आ रही है, जो चीज जितनी डेंस होगी उतनी वाइट नजर आएगी। अच्छा आपको दस देना नजायज होगा, इसमें ग्रेड्स होते हैं फ्रॉम बोन टू एयर, एयर को हम देते हैं जीरो डेंसिटी ये ब्लैक होगी, बोन को लेके हाईएस्ट डेंसिटी ये वाइट होगी, इसके दरमियान ग्रेड्स होते हैं, कुछ सीटीज के अंदर 8 ग्रेड होते हैं, किसी में 16 होते हैं, किसी में 32 ग्रेड्स होते हैं। पहले जो सीटी स्कैन आते होते थे उनमें वो साइड के ऊपर एक ग्रेड बना होता था, जैसे कॉलम्स में 1, 2, 3, 4 याद है करीब, अब नहीं होते, ओके हम सोचते भी थे क्यों बने हुए, वो हमें ग्रेड्स बताते थे कि 16 ग्रेड का है, 32 ग्रेड का है, ठीक है, और उस डेंसिटी को देखते हुए जो तजर्बे से वो बताते हैं कि जी ये फलानी चीज़ हो सकती है, फलानी चीज़ डेंसिटी को देखते, ठीक है, इसको कौन सी चीज खा जाती है, एक्सरे को बोन खा जाती है, इसलिए तो वो वाइट हो जाता है, इसलिए तो वाइट हो जाता है, सो जहां ज्यादा बोन होगी वहां सीटी स्कैन काम नहीं करेगा, लाइक करेगा एब्जॉर्ब हो जाएगा, लाइक लाइक स्पाइन, स्पाइनल कॉर्ड को किसे देखते हैं, एमआरआई, क्यों बोन्स सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना जैसे गली मैं होने की थी यार सारे रात रोते थे जो होते थे जितना खा रहे थे क्या हो रहा था, अभी मैंने बताया कि बोन खा जाती है सीटी स्कैन को एंड स्पाइन इज ऑल बोन, सॉफ्ट टिश्यू कौन सा उसमें, तो स्पाइन कॉर्ड तो कैसे पहुंचेंगे, सीटी स्कैन तो पहुंच ही नहीं रहा, पतली बोन है यहाँ से ब्रेन नजर आ जाता है, बेस ऑफ स्कल में सेरिब्रम को भी आपको सही नहीं नजर आएगा सीटी स्कैन, अभी देखना जरा कभी तुमने गौर ही नहीं किया होगा कि यार क्यों ठीक नहीं नजर आता, इसी तरह जो हमारा स्पाइन है स्पाइन इज ऑल बोन्स, सो सीटी स्कैन में आपको
ये सही याद रखना चाहिए बस। ये है तो सीरियस क्या, ये क्या, ये डायलेटेड स्क्रू असल में नहीं है, किसमें होती है? बच्चे लोगों ने दिखाया था ना उसी का ही है सीरियस क्या। सो पहले तो तो डिफरेंट, ये देखो ये ब्लैक है ये व्हाइट है, इन दोनों के बीच ना डिफरेंट डेंसिटीज है। बाज़ मैंने आवाज निकाली, गूंज बात
जाएगा सही मैग्नेटिक फील्ड रेजोनेंस मैग्नेटिक फील्ड वापस मुड़ के मैग्नेटिक फील्ड बनता है कैसे एफएससी में देखते थे वो कहते थे ऐसे तार को रख दो दोनों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दो तो तार में क्या होगा क्या होता है एमआरआई का कॉन्सेप्ट बना था 1902-3 में
लेकिन मैच्योरिटी नहीं हुआ, चल तो नहीं सका बिकॉज द इंस्ट्रूमेंट्स वर नॉट देयर टू डिटेक्ट सच अ लो मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज रिक्रिएटेड. जब वो इंस्ट्रूमेंट बन गया तो एमआरआई बन गया, जब एमआरआई बना अब उसकी रेजोल्यूशन बेहतर होती जा रही है. सो इट इज गेटिंग इक्वल टू सीटी स्कैन और इवन बेटर. सो उसमें लोग आ रहे हैं. ठीक है, ये देखो देखो आपको वो नजर ही नहीं आ रही ना, हवा में खड़ा चल रहे हैं और यहाँ पे वो ये ज्यादा वाइट क्यों आता है ब्रेन में सॉफ्ट टिश्यू जितना है लाइपिड्स बहुत ज्यादा होते हैं. T1 T2 का चक्कर है, T1 T2 तो उसकी फर्दर वो है मशीनी क्लासिफिकेशन है समझे. ये तो ये है कि वो नजर आ रहा है ऑर्बिटल पड़ा हुआ, हम उस सेक्शन में पीछे ये बसंत है और ये बीच में टिप्पण इसका झगड़ा पड़ा हुआ है क्या है. एनीवे सो फर्दर आपको स्टोकेटोलॉजी देखो आप शुरू कर देंगे. And don't forget that you have to systemic diseases or other things to be careful. If you don't do it yourself, at least you should refer it. If you suspect that the orbital joint is brain, then so it's basically a multidisciplinary approach. So, there are many diseases, there are many things. Orbital disease is on its own. It's a manifestation of a lot of systemic problems. ठीक है ना? अब वो हर तरह के हो सकते हैं, infection, inflammation, metastasis, सब कुछ हो सकता है. So we need a broad outlook, a coordination of many other departments जो है, वो होने चाहिए. हमें जब भी problems है, और इसके अगर हमने कुछ नहीं करना, देखो मरीज की management में बहुत बड़ा जो काम है, वो है proper referral. मैं तो कुछ नहीं कर सकता नहीं देखो भाई प्रॉपर रेफरल. और उस प्रॉपर रेफरल से पहले एक चीज फाइनल मैं कहूँगा कि उससे पहले उसकी जो मैनेजमेंट आपने करनी है वो जरूर करके भेजें. मेरे पास एक पेशेंट आया थी उसकी लिड एबल्स हो गई थी एक तरफ से, तो जिन्होंने भेजा उन्होंने प्रॉम्प्टली भेजा फटाफट भेजा और अच्छे बने डॉक्टर थे. आई को ऑइंटमेंट से कवर नहीं किया, पैड लगा के दे दिया, हालांकि रेफर भी किया जल्दी भी भेजा. तो जो आपने करना फर्स्ट एड पेन है, एक बंदे को पेन है और जब ट्रीट होगा वो पेन तो उसके ठीक करो यार, कोल्ड एक्सपोजर तो उसको भी ठीक करो. ठीक है ना, कौन एक्सपोजर तो क्या करोगे. I think we should keep a layer of film of ointment all the time. वो तो रहती नहीं घट जाती है. हैं? ना बेटे स्कोयर रहेगा बच्चे प्रेशर हो जाएगा. टेम्परेरी टर्फ से आएगा. लेकिन बाद का तो था इतना प्रॉपर्स होता आप टर्फ नहीं कर सकते. गॉगल्स या सॉलिड गॉगल्स या स्विमिंग गॉगल्स टाइप की ऐसी कोई चीज बहुत आगे नहीं. वो वहाँ जब भी कोई ध्यान देने जाता था विलेज में वो क्या कहते हैं फलाने एग्जामिनर जो है ना उसने फलानी रिसर्च की हुई है वो जरूर सोच के जाना क्योंकि उसने पैसे लेनी लेनी है. हमने एक वेट चैम्बर बनाया हुआ है. कैसे? किस चीज की? आउटसाइड की. यस लेकिन दिस इज बेटर जस्ट द बिगिनिंग. कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे एवेन्यूज हैं तुमने एक्सप्लोर करने हैं जिन पे जाना है. ठीक है, सो डोंट बी कंटेंटेड. नहीं, दिस इज जस्ट अ गुड बिगिनिंग, जस्ट टेक इट लाइक दैट. इट्स अ ब्यूटीफुल बिगिनिंग बट इट्स अ बिगिनिंग. सो आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे होकर के साथ और कभी अपने आप को माइंड को बंद नहीं रखना. ये मैंने स्टार्ट किया था ये जो ऑफसाइड वाला काम है
क्योंकि ऐसे आते थे वहाँ न्यूरोसर्जरी के केस आते थे, फिर भी ऑपरेट नहीं हो सकता, सारा सारा कुछ खुला पड़ा है। मैंने देखा कि व्हाई नॉट क्रिएट अ ब्लड चैम्बर, तो हम ऑफसाइड लगा करते क्या थे, उसको क्लीन करके अल्टीमेट डाल देते थे और ऊपर ये ड्राई करके जगह इस तरह ऑफसाइड लगा देते, दो तीन दिन निकल जाते हैं फिर उसको। सो कॉर्निया इज प्रोटेक्टेड, ठीक है, ब्लड चैम्बर। और ये हमें आइडिया पता कहाँ से आया जी, हम जब छोटे होते थे तो श्रीलंका से आँखें आती थी, तो छोटी सी डब्बी में उन्होंने स्टैंडर्ड रखा था, उसमें ऑप्टिक लैंप सही होती थी ताकि कॉर्निया इधर उधर ना लगे, और इट वाज ड्राई जस्ट क्लोज चैम्बर। लेकिन उसमें वही काम किया करते थे, कॉटन लेके तो उसको गीला करके बीच में फैन किया करते थे, तो वो मॉइस्चर इतना हो जाता था कि कॉर्निया जो है ड्राई नहीं होता था, कॉर्निया एवेपोरेट नहीं करता था, इट बिकेम अ टोटली सैचुरेटेड चैम्बर। तो वो सोचते हुए इसको ये ऑफसाइड क्यों लगा रहे। और ये बच्चों में, बच्चे उतार देते ना जो चीज़ भी लग रही, बच्चों में बड़ा अच्छा रहता है, या मॉरी बंड पेशेंट्स में हिल रहे हैं शोर में चाह रहे हैं, बड़ा अच्छा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया। आई लाइक टू थैंक प्रोफेसर इमरान अकरम साहब। कभी कोई ऐसा मौका नहीं होता कि इनसे रिक्वेस्ट करें और ये उसको ऑनर ना करें, क्योंकि ये बॉन्ड टीचर है, इनके अंदर जो ये जिबिलत है इनकी पढ़ाना, और अगर ये पढ़ाने के दौरान एक आधा मौका भी लगा देना वो प्यार से, और जिस तरीके से पढ़ाते हैं बिल्कुल घरेलू माहौल में, हाँ जी घरेलू माहौल में पढ़ाते हैं, कोई वो नहीं होती पंप एंड शोर कुछ, और बिल्कुल अभी आप लोगों ने स्पिंड इनसे पढ़ाया LGH में, और किस तरीके से 3 घंटे तक जो बंदा स्पिंड के ऊपर बोल सकता है, यू कैन इमेजिन कि उसको कितना उसके ऊपर दस्तरस होगा। स्क्विंट इज सच अ सब्जेक्ट के 15-20 मिनट के बाद बंदे को समझ नहीं आती कि मैं क्या बताऊँ आगे क्या बताऊँ। तो यू नो इज गॉट एक्सेलेंट ग्रैस्प ऑन दी सब्जेक्ट्स, एंड स्पेशली ऑर्बिट ऑक्युलोप्लास्टिक्स पीडियाट्रिक्स, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है। और हमने जो उनका कॉन्सेप्ट रेटना का देखा है वो काबिल तहसीन है। वो एक फोरम के ऊपर हम आज भी हैं, उस फोरम पे सोसाइटी का फोरम है, उसके ऊपर सर ने जो फिजियोलॉजी रेटना की जिस जो कॉन्सेप्ट दिए हैं वो अनइमेजिनेबल हैं, वो पढ़ने लिखने के बाद समझ आई कैसा कुछ चीज़ ये थी जो हम कुछ और पढ़ते थे। एनीवे, सो इज एन एक्सीलेंट टीचर, इज अ वेरी गुड क्लिनिशियन, एक्सीलेंट सर्जन माशाल्लाह। और आज इन्होंने आके हमें और मजीद मुस्तफीद किया। सर हम आपको वक्तन तंग करते रहेंगे, एंड आई नो कि आपका ये पैशन है, इसलिए आप कभी भी इससे नहीं तंग आते हैं घबराते हैं, तो इंशाल्लाह आपके प्रॉब्लम। उसके बाद हम एक छोटी सी ग्रुप फोटो लेते होते हैं।